नोएडा के एसएसपी रहे वैभव कृष्ण को उस समय बड़ा झटका लगा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएसपी द्वारा पारित नोएडा के लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार के निलंबन को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया। यही नहीं, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और अधिकारियों को जबरदस्त फटकार भी लगाई है। मामला 2019 का है जब नोएडा के थाना फेज 2 गौतम बुद्ध नगर में तैनात लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण ने बिना जांच के ही लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद लीडिंग फायरमैन नरेश कुमार ने हाई कोर्ट में निलंबन के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए तत्कालीन एसएसपी द्वारा पारित विधि विरुद्ध निलंबन के बाबत 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बता दें कि हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम की दलील पर आदेश देते हुए निलंबन को अगले आदेश तक निरस्त कर दिया है। वहीं ऐसे पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये चौंकाने वाली बात है कि पुलिस अधिकारी मनमाने ढंग से लगातार निलंबन आदेश पारित कर रहे हैं। वहीं हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि विधि विरुद्ध आदेशों से न्यायालय पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है, जिससे न्यायालय का समय खराब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।